नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। और सभी को जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम है, एसएससी सीजीएल का एग्जाम है, फिर उसके बाद इमीडिएटली है कुछ दिन के बाद में सीएचएसएल का एग्जाम है, पिनेकल टीम की तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक कि आपका एग्जाम अच्छा हो। कुछ एक चीजें आपको क्या करनी चाहिए या आपके दिमाग माइंडसेट किस तरह का होना चाहिए वो थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं मैं, जिससे कि पॉजिटिव वाइब्रेशन आए और हमारी दुआएं हैं टीम की, वो उसका कुछ ना कुछ फर्क है आपको मिले, उसका फायदा मिले। देखो, ये जो एग्जाम है बहुत ही एक किस्म से मैं बोलूंगा एक ऐतिहासिक टाइप का एग्जाम है, क्योंकि बहुत कम बार ऐसा होता है कि कोई गवर्नमेंट का एग्जाम बिना किसी डिस्टरबेंस के हो रहा हो। डिस्टरबेंस का मतलब कभी डेट चेंज हो गई है, कभी सेंटर चेंज हो गया है, कभी पैटर्न चेंज हो गया है, मतलब बहुत सारी चीजें चेंज होती है और अनसर्टेनिटी का माहौल होता है। लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जाम से पिछले 10 साल से हम इसको तैयारी करवाते हैं, तो हम पहली बार ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं कि कोई इस तरह की ऐसी भी कोई चीज नहीं है जिससे कि कोई स्टूडेंट है वो डिस्टर्ब हो। पैटर्न बिल्कुल पता चल गया है सभी स्टूडेंट्स को, टीसीएस वाला पैटर्न किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद एग्जाम का जो डेट थी उसी के अनुसार 3 तारीख से 9 तारीख के बीच में ये एग्जाम होने हैं, या जिस शिफ्ट में भी आपका एग्जाम होना है वो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो एक किस्म से बहुत अच्छी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, ग्रेट थिंग है ये, और आपको इसका आप बोल सकता हूं मैं कि आप एक लकी हैं कि आपका एग्जाम बिल्कुल टाइम पे हो रहा है। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी है या बाकी जो दूसरे एग्जाम देखते हैं, स्टेट के एग्जाम देखते हैं, तो 2-2, 4-4 साल तक तो पता ही नहीं चलता, ठीक है। तो ये पूरी अपॉर्चुनिटी आपके पास में कि 1 घंटा जो आपको मिलेगा वो आप उसमें वो अचीव कर सकते हैं। इसको पॉजिटिव देखने की कोशिश कीजिए कि अगर 1 घंटे में आप वो अचीव कर सकते हैं जो आपके एजुकेशन सिस्टम ने, जैसे भी आपका एजुकेशन सिस्टम है, हमारा एजुकेशन सिस्टम है, वो 15-17 साल की मेहनत, कड़ी मेहनत में भी अचीव नहीं कर पाए, वो 1 घंटे में आप अचीव कर सकते। इस 1 घंटे को सिर्फ एग्जाम मत मानिए, ये पूरी लाइफ में आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है, पूरी फैमिली के लिए आपका एक बेस तैयार होगा। तो इस एग्जाम को बहुत ही गंभीरता के साथ लेते हुए, पूरी सिंसियरिटी के लेते हुए एग्जाम सेंटर पे आप जरूर 1 दिन पहले पहुंच जाएं, जो स्पेशली 200-300-400-500 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, क्योंकि सेम डे में बहुत ज्यादा रिस्क हो जाता है। तो रिस्क लेने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और जब सेंटर पे, उस सिटी में आपको 1 दिन पहले पहुंच जाना चाहिए, और सेंटर पे क्या है कि 1 घंटे पहले से जरूर पहुंच जाना चाहिए। मैं कुछ स्टूडेंट को ऐसे भी जानता हूँ, पिछले सालों में हमने देखा कि पूरे साल तैयारी करते हैं, सेंटर पे टाइम पे नहीं पहुंच पाते, तो ये तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी होगी। तो ऐसा बिल्कुल भी न करें। तो नंबर 2, आपको क्या है कि 1 दिन पहले उस सिटी में पहुंचे और 1 घंटे पहले उस सेंटर पे जरूर पहुंच जाए, जिससे कि किसी भी तरीके से, और जो चाहिए आपकी आईडी चाहिए या पेन पेंसिल जो भी आपको ले जाना है अपने साथ में, जो जो रिक्वायरमेंट है, एडमिट कार्ड स्पेशली, वो सारी चीजें आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है। आखिरी समय में आप रिविजन कर सकते हैं, जो चीज आपने पढ़ी है प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा नई चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप बहुत अच्छा ऑलरेडी स्कोर कर रहे हैं तो आपको वो रिटेन करना है अपने आप को एक पॉजिटिव। अगर किसी का अच्छा स्कोर नहीं भी आ रहा है, 90, 100, 110, 120 के आसपास आ रहा है, तो वो टेम्परेचर अपने आप को कूल रखे और जितना पॉसिबल हो सके अपने एफर्ट्स उस एग्जाम में लगाए, और बेस्ट उस दिन आपका होना चाहिए। हो सकता है वो दिन आपके लिए बहुत ही एक निर्णायक साबित हो, बहुत मतलब नई दिशा साबित कर सकता है, आपको नई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है। स्टार्टिंग में 1-2 शिफ्ट से एक आइडिया से मिल सकता है, 2-3 शिफ्ट से स्पेशली आइडिया से मिल सकता है कि किस तरह का एग्जाम आ रहा है। हालांकि उनके ऊपर आप इतना टाइम वेस्ट न कर दें, क्योंकि आपका बेस तो काफी बना हुआ है, इतना टाइम वेस्ट न कर दें कि सारा उन्हीं पर लगे रहें सारा दिन। तो क्योंकि जब इस तरह का एक टेंडेंसी होती है, तो जो YouTube चैनल है या कोचिंग सेंटर है, वो क्या है, चीजों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश करते हैं, और जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है उसको भी ऐसे बताने की कोशिश करते हैं इस तरह की सिचुएशन में, जिससे कि स्टूडेंट है उसके दिमाग में फियर पैदा हो, डर पैदा हो, और वो डरे, जिससे उनके व्यूज बढ़ सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये भी अपने आप में एक बिजनेस है, फियर डर क्रिएट करना और कोई नई चीज पेश करना जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। तो ऐसे चैनलों से भी आपको बचना है, या इस मानसिकता से भी बचना है, लेकिन ये एग्जिस्ट करेगी, आपको हमेशा रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, आपको अपने आप को कंट्रोल जरूर रखना है। मैंने आपको आइडिया या हिंट दे दिया है कि आप ये एनालिसिस वगैरह में जरूरत से ज्यादा नहीं उलझ जाएं कहीं, और इसमें जो चीजें निकल कर आएगी कि अब बहुत कैलकुलेशन आने लग गई है, इस तरह की बातें आएगी, जो कि हमने देखा कि ऐसा कुछ भी इतने ज्यादा चीजें नहीं थी। मैंने एक एक क्वेश्चन सोल्व किया आपके सामने, मैथ के, वो सीपीओ हो, सीजीएल, टायर 1 हो, टायर 2 हो, टायर 3 हो, मतलब
एक पैटर्न होता है हर एग्जाम का, उस पैटर्न को फॉलो किया गया, तो कोई ऐसी चीज नहीं थी। लेकिन जब रिव्यू होता है, एनालिसिस होता है स्टार्टिंग में, तो बहुत नई चीजें पेश की जाती है जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती। उससे आपको पैनिक नहीं होना है। मैं यहाँ पे मैसेज ये देने की कोशिश कर रहा हूँ, आप किसी को एक्सपर्ट न माने, स्पेशली वो जो यूट्यूब पे आकर अपनी बातें रखने की कोशिश करेगा एग्जाम के पेपर के वाले दिन में, मुझे लगता है कि वो एक एग्जाम के पॉइंट को बता रहा है, वो एक्सपर्ट नहीं है। एक्सपर्ट कभी इतना टाइम नहीं मिलेगा उसको, होगा नहीं, क्योंकि एक्सपर्ट सारी चीजों को एनालाइज करेगा और वो पेपर खत्म होने के बाद अपनी राय देगा, उससे पहले नहीं देगा। तो आप क्या है कि उस पर्टिकुलर चीज को इस ढंग से समझिए कि थोड़ा सा आपको ट्रेंड सा पता चल जाए, कोई मेजर शिफ्ट तो नहीं है, लेकिन बैलेंस रहे, पैनिक न हो, फियर क्रिएट न करें माइंड में, बस इतना ही काफी है। करंट अफेयर्स आप थोड़ा सा देख सकते हैं आखिरी के समय में, रिवीजन चीजों पर फोकस कीजिए, मैथ के फॉर्मूले वगैरह देख सकते हैं, एक दो, अगर किसी के 6-7 तारीख को एग्जाम है तो 2-4 वो मॉक टेस्ट भी कर सकते हैं। पिनेकल आपको 10 मॉक टेस्ट फ्री प्रोवाइड करा रहा है, उसका फायदा उठा सकते हैं। PDF करंट अफेयर्स की आपको फ्री प्रोवाइड कर रहा है पूरे 1 साल की, आपको एक साल पर फोकस कर लेना है तो वो चीजें आप देख सकते हो। आप 4-5 घंटे में पूरा रिवाइज कर देंगे, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, तो जो PDF करंट अफेयर्स वाली वो, और आपको जो 2-4 10 मॉक टेस्ट दे रहे हैं लोग, वो फ्री वाली चीजें, वो आप जरूर कर सकते हैं आखिरी मौके पे। ठीक है, तो ये हमारी तरफ से है कि आपको क्या क्या चीजें वो ध्यान रखना है। मेन तो ये है कि आपको पैनिक नहीं होना है, आपका टेम्परेचर है, ब्लड प्रेशर है, वो थोड़ा सा ठीक रहे। आपको ये नहीं हाइपर हो जाना है या फिर पता चला कि आप डिप्रेशन में चले गए, ये चीजों की अभी आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। कूल अपने आप को बनाए रखें। तो इस प्रेजेंटेशन में बस इतना ही। पिनेकल टीम की तरफ से आपको एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।